हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिनिशियस सीएसएन नाइट पे। फटाफट से आ जाओ, एक बार मुझे ये बता दो कि अपनी वॉइस वगैरह सब ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है। वीडियो क्वालिटी और वॉइस में मुझे एक बार फटाफट से बताओ, वॉइस आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, एक बार जल्दी से बता दो भाई, वॉइस ठीक है, वीडियो ठीक है, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दो भाई सभी सभी। हाँ, पेपर बहुत बढ़िया बनाया हुआ है भाई, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया हुआ है और काफ़ी सारे कोड, मतलब काफ़ी सारे पेपर आए हुए हैं। मेरे पास तीन पेपर पहुंच चुके हैं, तो तीनों के कंप्यूटर का सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक, ओके है सब कुछ, चलो तो स्टार्ट करें फिर भाई। पेपर को देख के मतलब सिर चकरा गया कि भाई इतनी साइंस और इकोनॉमिक्स, भर भर के मतलब साइंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरा जोर दिया है एचएसएससी, जिसने भी ऐसा ऐसा दे दिया, बच्चों के 50 भी सही नहीं होंगे। देखो, डिफिकल्ट पेपर आना कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है। डिफिकल्ट पेपर आने का मतलब है कि जिन्होंने सही में सीरियसली तैयारी करी होगी उनका सिलेक्शन होना वहां पे लाजमी हो जाता है। फिर ऊपर ऊपर से जो सिर्फ जीके जीके के ऊपर बेस्ड थे स्टूडेंट्स, जो जीके जीके के ऊपर मतलब लगे हुए थे बस, तो उनके साथ एचएसएससी ने थोड़ा सा मजाक कर दिया है। जीके, हरियाणा जीके जो है वो हमें दिख ही नहीं रही है कहीं पे भी, तीनों क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास तीन आए हैं। बट हाँ, अपना जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसमें एचएसएससी ने अपना वादा जो है वो निभाया है। सभी पेपर्स के अंदर कंप्यूटर का लेवल भी काफी अच्छे लेवल का दिया है। मैं बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मुझे भी, मतलब काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे चेक करने पड़े इंटरनेट पे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, और काफी अच्छे लेवल का पेपर बनाया हुआ है। देखो, क्या आया क्या नहीं आया इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा तीनों के तीनों सेट का क्वेश्चन, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए, मेरे पास तीन सेट आए हैं, इन तीनों में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं उनका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबको दिख रहा होगा आई थिंक, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। ठीक है, ओके, तो चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे आए हैं। तो ये पहला सेट है भाई, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाई एस डी रैम का क्या मतलब होता है। एस डी रैम का मतलब क्या होता है, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा इसमें। हाँ, तो एस डी रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी से बन जाता है आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस से बन जाएगा आपका सिमेट्रिक या सिस्टमैटिक, सॉरी सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, प्रोग्राम्स दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरसेस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर आर कॉल्ड एज, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। ऐसा प्रोग्राम पूछा है जो खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है वायरस की तरह पे, यानी कि अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है खुद को और फैल जाता है कंप्यूटर से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है, उसको दोस्तों हम वॉर्म के नाम से जानते हैं। मैं जब एनसीईआरटी करवा रहा था तो वहां पर मैंने आपको कीड़े के बारे में बताया था कि एक वायरस होता है जो वॉर्म होता है, वो वायरस की तरह होता है, खुद को स्प्रेड करने की क्षमता उनके अंदर होती है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, कोई उनको बनाएगा तब वो जाएंगे नहीं, वो खुद अपने कंप्यूटर से कंप्यूटर एक दूसरे को खुद को ट्रांसफर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो वॉर्म्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वॉर्म्स कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है बट ये जीके का रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैं बता देता हूं कि जो सेक्शन 66 होता है, सेक्शन 66E जो होता है आईटी एक्ट का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये किसके साथ डील करता है, तो जो आपकी प्राइवेसी होती है इंटरनेट के ऊपर, नेट के ऊपर जो आपकी प्राइवेसी होती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी वीडियो वगैरह बना के कोई डाल दे नेट पे तो आपकी प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो गोपनीयता के उल्लंघन के लिए जो सजा होती है वो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट धारा 66E में उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी की पर्सनल चीजों को वायरल कर देना इंटरनेट के ऊपर, उसको सेक्शन 66E के तहत जो है सजा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है जी, ये सेम पेज दोबारा से रिपीट हुआ है। हाँ, ये रहा 19 क्वेश्चन आपके सामने है। डैश आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माउस एंड मॉडम।
जो कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं यानी कि माउस हमारे सिस्टम से हम जोड़ते हैं, मोडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को सिस्टम से हम जोड़ते हैं नेट यूज करने के लिए, इनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या कौन सा किस चीज का यूज किया जाता है, क्या हम सीरियल पोर्ट्स का यूज करते हैं, पैरेलल पोर्ट्स का यूज करते हैं, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का यूज करते हैं या फिर इंटीग्रेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आईडीई पोर्ट्स का यूज करते हैं। तो सीरियल पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरियल पोर्ट्स का यूज करते हैं हम माउस मॉडम जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो हरियाणा का ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन हरियाणा द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टेब्लिश्ड इन, हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था ये आपसे पूछा गया है। इकोनॉमिक्स मुझे काफी देखने को मिली है आज के पेपर में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये काफी, बट देखो अब ये इकोनॉमिक्स हरियाणा के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं है तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक चीज पूछी गई है। किसी ने एसएससी की तैयारी अगर करी है इकोनॉमिक्स, अगर एसएससी की इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है वो आराम से इन क्वेश्चंस को करके आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजीपी की फुल फॉर्म, इजी क्वेश्चन है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा पेपर लग रहा है, आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? देखो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस के अंदर, डैश होल्ड द इन्फॉर्मेशन दैट द सीपीयू करंटली वर्किंग ऑन, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो काम करता है जब हमारे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जब काम कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो जिस जानकारी के ऊपर सीपीयू काम कर रहा होता है उसकी सूचना किसके पास होती है, उसकी इंफॉर्मेशन को कौन होल्ड करके रखता है, यह बेसिकली हमसे पूछा गया है। एक सेकेंड रुकिए आप, एक सेकेंड देना भाई, घर से फोन आ रहा है। हाँ भाई सॉरी भाई, थोड़ा सा फोन आ गया था बीच में घर वालों का, इसलिए मुझे होल्ड करना पड़ा ये। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो क्या था भैया, सीपीयू जिस इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है उसकी जानकारी किसके पास होती है। तो मैंने आप लोगों को दो चीजें कराई थी, एक मैंने आपको रजिस्टर्स का टॉपिक जब किसी ने वीडियो देखी होगी वो बता देगा, एक मैंने आईआर के बारे में बताया था, इनपुट रजिस्टर के बारे में बताया था, एक ओआर के बारे में बताया था, आउटपुट रजिस्टर के बारे में बताया था। तो जो इनपुट रजिस्टर होता है वो हमारी डिटेल रखता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये सेम पेज रिपीट हुआ है यहां पे, दोबारा से वही पेज आ गया है। टोटल तीन पेपर है मेरे पास, तीनों पेपर में जो कंप्यूटर आया है तीनों का कराने की कोशिश करता हूं मैं। एक ये क्वेश्चन है भाई, इसका मेरे हिसाब से ना एम एफ होता है, एक मल्टीफंक्शनल प्रिंटर होता है, वो आंसर आना चाहिए, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकता है। पूछा है कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है इनमें से जिसको ऑल इन वन प्रिंटर भी कहा जाता है। ऑल इन वन का मतलब होता है ऐसा प्रिंटर जो आपका प्रिंट आउट भी आपको निकाल के दे, स्कैन भी करे साथ साथ, जिसमें सारी क्वालिटीज हो, उसको हम ऑल इन वन प्रिंटर कहते हैं, और एक से ज्यादा मशीन्स के साथ भी कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा प्रिंटर पूछा गया था। तो लेजर प्रिंटर होता है जो लेजर पैकिंग का यूज करते हैं, जो हमें प्रिंट आउट निकाल के देता है। हाइड्रा प्रिंटर नथिंग, ड्रम प्रिंटर होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है जो इंक का यूज करके हम करते हैं। मेरे हिसाब से मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है एक, जिसको हम ऑल इन वन प्रिंटर भी कहते हैं, वो आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन का काम हो सकता है, प्रॉपर मैं अभी गलत नहीं बताऊंगा इसका आंसर, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तीन पेपर मेरे पास आ चुके हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई डैश इज ए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस, इनमें से एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस है, वेब ब्राउजर का प्रयोग करता है और प्रयोक्ता को लिखने और पढ़ने देता है, क्या पढ़ने देता है भाई, ईमेल। एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस है जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो ईमेल को रीड कर सकें और ईमेल्स को राइट कर सकें एक वेब ब्राउजर का यूज करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेब मेल बोलेंगे, क्योंकि ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आउटलुक एक्सप्रेस एक एप्लीकेशन हो जाती है और वेब मेल जो होता है उसका यूज करके हम रीड राइट कर सकते हैं ईमेल्स को, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो ब्राउजर हमें प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है। चलो भाई, तो ये पेपर हमारा था भाई जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं और इस पेपर को करने की कोशिश करते हैं हम। इसमें सबसे पहला वही आपसे पूछा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए डॉक्यूमेंट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड इट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क। ऐसा कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है जो आपके डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है, बदल देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, यानी कि ई फॉर्मेट में, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई पीडीएफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हमारे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और फिर हम इसको डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। तो स्कैनर होता है जो हमारी हार्ड कॉपी को स्कैन करके हमें ई फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है। तो स्कैनर हो जाएगा राइट आंसर हमारा यहाँ पे। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है, ओके ये क्वेश्चन आया है भाई, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो हमें हमारी हेल्प करता है पर्सनल कंप्यूटर को जॉयस्टिक के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो जॉयस्टिक का यूज क्या होता है, हम गेम वगैरह खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं, तो गेम पोर्ट जो होता है वो हमारी हेल्प करता है हमारे पीसी को जॉयस्टिक के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव और रजिस्टर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट यूनिट जो होती है वो हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर्स जो है वो एक सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 23 थर्ड क्वेश्चन पूछा है, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया भाई, आपके नेटवर्किंग का जो टॉपिक होता है ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आपसे लोगों से ये पूछा गया है कि भाई खालिस्तान का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ ए सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइवेट की, एक प्राइवेट की है हमारे पास फॉर क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर। जैसे देखो अभी मैं सिग्नेचर कर दूं यहां पे अपने नाम का सिग्नेचर कर दूं, तो ये कैसा सिग्नेचर है, ये एक डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, प्राइवेट की का यूज किया है हमने ऐसा सिग्नेचर करने के लिए और पब्लिक की का यूज किया जाएगा उस सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों जिसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है, सेंडर कोई भी मैसेज जो है वो रिसीवर के पास भेजता है, उसके ऊपर एक हमारा सिस्टम होता है क्रिप्टोग्राफी। तो बेसिकली क्या होता है, वो मैसेज जो होता है पहले वो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ऐसा टेक्स्ट जिसको अगर बीच में कोई हैक भी कर ले तो वो समझ ना पाए कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं डिजिटल सिग्नेचर करके किसी के पास भेज रहा हूं, तो मैं जब डिजिटल सिग्नेचर कर रहा हूं तो मैं प्राइवेट की का यूज करके उसको ऊपर ताला लगा रहा हूं कि बीच में कोई उसको पढ़ ना पाए। जिसके पास वो मैंने भेजा है वो पब्लिक की का यूज करके उसको वेरीफाई करेगा कि सिग्नेचर उसका है या नहीं है। तो इसको दोस्तों बोला जाता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। हमारे पास दो क्रिप्टो सिस्टम होते हैं क्रिप्टोग्राफी में, एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम होता है, एक एसिमेट्रिक होता है। तो ये एसिमेट्रिक हो जाता है जहां पे पब्लिक की का यूज किया जाता है। दोनों प्राइवेट की, अगले पेपर में हो सकता है दोनों प्राइवेट की के बारे में पूछ लिया जाए, तो दोनों तरफ प्राइवेट की होंगी तो सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आप लोगों का आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, RISC की फुल फॉर्म डायरेक्ट उठाया गया है NCERT से, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली ये 2018 जो क्लर्क भर्ती है उस पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आया था, RISC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको टेढ़ा करके देखते हैं भाई क्या है ये यहाँ पे। ओके, इसमें मुझे नहीं लग रहा कंप्यूटर का क्वेश्चन है कोई, ये रहा यहाँ पे है, मैं पढ़ के बता देता हूँ वैसे समझ में ना भी आए। यूनिक नेम पूछा है दैट आइडेंटिफाइज ए पर्टिकुलर वेबसाइट एंड रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सर्वर वेयर द वेब पेज रिसाइड इज, एक अद्वितीय नाम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान करता है और उस सर्वर का नाम दर्शाता है जहां वेब पेज होता है।
तो बेसिकली भाई मैं मानता हूं कि इसका URL आंसर होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो एक यूनिक नेम होता है किसी भी वेबसाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसके ऊपर भी हम ऑब्जेक्शन का काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी NCERT से डायरेक्ट उठाया गया है, नेटवर्किंग टॉपिक से। An organization that connects its subscribers computer using modem to the internet is, अपने सब्सक्राइबर को इंटरनेट के साथ जोड़ता है वैसा ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता है ISP उसको बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ये सभी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमारे। BCC stands for, BCC का मतलब पूछा गया है, तो BCC का आप लोगों को पता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है। आप जो ईमेल करते हैं उस ईमेल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक CC होता है और एक BCC होता है। CC में आप वो ईमेल डालते हैं जिन ईमेल्स को बाकी लोग भी देख सकते हैं, BCC में आप उन ईमेल्स को डालते हैं जो बाकी लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC की फुल फॉर्म होती है। क्लियर है बात? तो ये हमारा था सेकेंड पेपर। अब हम देखते हैं थर्ड पेपर जो हमसे आया है, इसमें देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में। ये देखो भाई, पिक्सल वाली क्लास जो मैंने 15 मिनट की क्लास डाली थी उसको अगर किसी ने ध्यान से देखा था तो उसमें मैंने बताया था रिफ्रेश रेट के बारे में कि डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड द पिक्सल्स आर रिचार्ज्ड सो देयर ग्लो रिमेन्स ब्राइट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रति सेकंड रिचार्ज होने वाले पिक्सल्स की संख्या है ताकि उनकी चमक बनी रहे, तो वो क्या होता है भाई, रिफ्रेश रेट हमारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। डैश इज एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड लो कॉस्ट प्रोसेस, हाई स्पीड है और प्रोसेस जो है वो लो कॉस्ट है यानी कि पैसा कम लगता है, जो क्या करती है, रिकॉर्ड करती है कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन हमारी जनरेट होती है उसको रिकॉर्ड करती है डायरेक्टली, कहां से, कंप्यूटर टेप से या फिर कार्ट्रेज से, टू ए के लिखा हुआ है मिनिचराइज्ड माइक्रोफिल्म मीडिया। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, COM, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। इनका डिटेल से सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बस के टॉपिक से पूछा गया, डैश प्रोवाइड ए पाथ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी। परसों या उससे पहले दिन हमने क्लास करी थी जिसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सिस्टम बस होती है, एक हमारे पास कंट्रोल बस होती है, एक हमारे पास डेटा बस होती है, एक हमारे पास एड्रेस बस होती है। एड्रेस बस मेमोरी में हमारे डेटा इंफॉर्मेशन का एड्रेस रखती है, डेटा बस एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है डेटा को, कंट्रोल बस इस पूरे काम को कंट्रोल करती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सिस्टम बस होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है भाई, ये क्वेश्चन आया है, हाँ ये भी NCERT से आया है, डैश मस्ट बी रिफ्रेश्ड कॉन्टिन्यूअली। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इंफॉर्मेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो अपने सारे के सारे जो भी कंटेंट उसने होल्ड किया हुआ है उसको लूज कर देगा। तो आप सभी को पता है रैम जो होती है हमारी वो अपने कंटेंट को लूज कर देती है अगर पावर ऑफ हो जाती है या फिर उसको रिफ्रेश नहीं किया जाता है, तो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्रिप्टोग्राफी का दूसरे पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिप्टोग्राफी का, डिजिटल सिग्नेचर आर बेस्ड ऑन डैश क्रिप्टोग्राफी। डिजिटल सिग्नेचर होता है वो किस क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर हम करते हैं उसके बाद, तो पब्लिक की इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे ये कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि क्या उसको हमें बंद करके रखना है या उसके ऊपर की यूज करनी है नहीं करनी है, प्राइवेटली भेजना है पब्लिकली भेजना है, तो जब कुछ भी नहीं दिया होता तो क्रिप्टोग्राफी में डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो पब्लिक की का यूज किया जाता है, यानी कि उस सिग्नेचर को दूसरे लोग भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिग्नेचर करके ये PDF आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये कैसी की होगी, ये पब्लिक की होगी, यानी कि इसको सभी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए भाई,
शब्द इंटरनेट दो शब्दों से बना है. द वर्ड इंटरनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. उसको क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट जो होता है इसमें एक तो इंटर शब्द है और एक नेट शब्द है. नेट से बनेगा नेटवर्क और इंटर से बनेगा इंटरकनेक्शन. तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा. इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा. इंटरनेट शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है. इंटरनेट, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क्स. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. तो जिन दोस्तों का कल पेपर है, परसों पेपर है या शाम को पेपर है, फटाफट से इंटरनेट के ऊपर इकोनॉमिक्स के जो बेसिक नोट्स होते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पढ़ लीजिए, मार्केट के चैप्टर के बारे में पढ़ लीजिए, जितना ज्यादा हो सके. आप कम से कम 7-8 क्वेश्चंस प्लस में होंगे आज वाले बच्चों से, अगर आप इकोनॉमिक्स को, बेसिक इकोनॉमिक्स को भी अगर पढ़ लेते हैं तो. मार्केट हो गया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गया, और आप रेपो रेट के बारे में पढ़ सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, द डैश इज द पोर्शन ऑफ विंडो. विंडो का वो कौन सा पोर्शन है दैट होल्ड्स द वेब पेज प्रेजेंट इन द करंट टैब. अब मान लो यहाँ पे ऊपर हमारी टैब है, करंट टैब है, उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है हमसे पूछा गया था. तो बेसिकली उसको दोस्तों हम स्टेटस बार कहते हैं. सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप सभी को पता है. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. और इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है जो, हाँ ये रहा, डैश कंप्राइजेज ए सेट ऑफ सेवरल रूटीन्स एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस इनसाइड रोम. रीड ओनली मेमोरी के भीतर कई भागों और स्टार्टअप के दौरान, शुरुआत के दौरान अनुदेशों का एक समुच्चय बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है ये नेटवर्किंग से, द डैश इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड कंसिस्टेंट वे टू ऑर्गेनाइज लार्ज डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. डैश एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों को एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है. तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? ऐसा सिस्टम हमारे पास जो होता है, हमारा वेब ब्राउजर होता है जो हमें अलाउ करता है ताकि हम बड़े डेटा जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसको हम देख सकें, काम उसके ऊपर कर सकें. तो वेब ब्राउजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद हमसे कंप्यूटर का क्वेश्चन, देखो ये रेपो रेट के बारे में, बैंक रेट के बारे में ये सवाल आया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ के जाना टॉपिक को. तो ये थे हमारे भाई, मेरे पास 3 सेट आए हैं, चौथा सेट जैसे ही आता है मैं आपको चौथे सेट की भी प्रोवाइड करा दूंगा. तो ये थे अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस. कंप्यूटर को मैं बोलूंगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल का कंप्यूटर है, ज्यादा हार्ड लेवल का कंप्यूटर जो है वो नहीं पूछा गया है. ओवरऑल जो पेपर है वो हार्ड नहीं है. हार्ड पेपर वो होता है जो हमें लगता है कि हमें नहीं आता, मतलब हमने पढ़ा ही नहीं. अगर इकोनॉमिक्स जिसने जीके में, हरियाणा जीके, चलो अच्छी बात है हरियाणा जीके सभी लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हरियाणा जीके के साथ साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, देखो जीके का बहुत बड़ा पोर्शन होता है. अब की बार एचएसएससी ने, एचएसएससी की मर्जी होती है, एचएसएससी जिस, अरे यार एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड. तो दोस्तों आज के पेपर के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, एक बार फटाफट से बताओ, आपको क्या लगता है कैसा पेपर आया है ये? ऐसा पेपर मतलब जैसे कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ बॉयज कपिल इज 8th फ्रॉम द राइट, यानी कि एक लाइन में बैठे हैं बच्चे, कपिल जो है वो राइट साइड से 8वां है,
एंड निकुंज इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, निकुंज जो है वो लेफ्ट से 12th है, 12वें नंबर पे बैठा है। व्हेन कपिल एंड निकुंज इंटरनेट, देखो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है भाई, दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया तो क्या आंसर आएगा, इसको इजी कैटेगरी में रखते हैं। विथ साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर ए बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, स्टैटिक जीके का पार्ट है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न होते हैं, वेस्टर्न साइक्लोन्स, पश्चिमी चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पूर्वी चक्रवात, समतिकोण चक्रवात, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कैटेगरी में रखोगे आप बताइए। अनुच्छेद 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया है, तो तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, किसको दिया गया है भाई। प्रोजेक्ट सनराइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट सनराइज करंट का क्वेश्चन है, सनराइज को जो आपका प्रोजेक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में मलेरिया की रोकथाम के लिए, एड्स की रोकथाम के लिए, COVID-19 की रोकथाम के लिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा भैया ये देखो भाई, 64 की पावर 12, 4 की पावर 15 दी हुई है, तो 64 को आप 4 का स्क्वेयर, 4 चौक 16 चौके 64, 4 की पावर 3 कर सकते हो, इसको कर सकते हो, तो ये भी आपका आसान कैटेगरी में है रीजनिंग का। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंड कब हुआ था, ये भी हार्ड नहीं है। कैटला फिशिज, कटला मछलियां कैसी हैं, भूतल फीडर हैं, सभी स्तरों पर फीडर हैं, बॉटम फीडर हैं या मध्य फीडर हैं, ठीक है। अमन रैंक्स 11th इन ए क्लास ऑफ 44, 44 बच्चों की क्लास में अमन का जो स्थान है वो 11वें स्थान पर है, तो अंतिम में से इसका रैंक क्या होगा, आसान है ये भी रीजनिंग का सवाल। कैंथ्रोफिली, देखो भाई साइंस के क्वेश्चन जो सारे स्टैटिक के दिए हुए हैं, जिन्होंने लूसेंट को रट दिया था वो उन लोगों के तो लगभग ठीक हुए होंगे, तो आप ये मत मान के चलो कि पेपर मतलब अजीब सा आया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है या नहीं होता है, बताओ भाई, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है या नहीं होता है, राज्य का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो मेरे हिसाब से दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इज वॉल प्रेजेंट इन, शरीर में छिद्रों और वाल्स के कैनाल मौजूद होता है, कहां पे होता है, एनेलिडा होता है, कहां पे होता है, ये डिवाइड करना है, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ, इसके डिवाइड करके क्या वैल्यू आएगी। कोलखोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे डैश में पेश किया गया है, ये अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। मेंटल को इसके बराबर में रखा जाता है, तो टेस्ट किसके बराबर में रखा जाएगा, रीजनिंग है ये, कंप्यूटर आ गया। Who among the following Indians sang the historic song of peace and hope in 1966 United Nations General Assembly में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शांति और ऐतिहासिक गीत गाया था, आशा भोसले, लता मंगेशकर, उपरोक्त सभी, कोई नहीं, MS सुबुलक्ष्मी, क्या हो जाएगा भैया, ये भी आसान मतलब ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेम द सिंगल कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पूछा गया है, कंप्रिहेंसिव डायरेक्ट टैक्स ऑपरेशन फ्रॉम 2017 ऑन सप्लाई ऑन एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटीज, तो GST आप लोग सुनते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका आंसर हो जाएगा। HCF दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैथ मेरा वैसे भी थोड़ा सा वीक है, इसका HCF क्या होगा, मतलब HCF ऑफ दिस, इसका HCF क्या होगा, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था भैया, ढाका में किया गया था क्या दारा भाई, भोपाल सिंह खत्री ऐसा पेपर बना देगा, सिस्टम हैंग कर देंगे निप्पा विषाणु मनुष्यों में डैश से फैलता है, निप्पा वायरस, काउस, डोंकीज, पिग्स, डॉग्स, किससे फैलता है भाई, सुअर से फैलता है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अमॉन्ग एस्फोरमिक गैसेज, वायुमंडल की गैस में प्रमुख घटक क्या है, मिथेन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ठीक है बताओ। चौथा पेपर आ गया क्या, एक सेकंड रुको, चौथा पेपर आ गया लगता है, चौथा भी देख लेते हैं भाई साथ ही साथ अगर आ गया है तो। ओके अभी देखते हैं भाई, हाँ ये चौथा पेपर आ गया है, एक बार चौथे पेपर को और ओपन करके देखते हैं क्या आया हुआ है। अच्छा भाई देखते पहले तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस ढूंढते हैं इसमें कहां पे हैं। डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पहला क्वेश्चन है भाई, डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट और डोर वे टू द वेबसाइट, डैश वेबसाइट के लिए आरंभिक बिंदु या डोर वे होता है यानी रास्ता होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर लिंक होता है, होम पेज होता है या फिर वेब पेज होता है, बताओ भाई। किसी भी वेबसाइट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उस वेबसाइट का क्या हो जाएगा भैया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेबसाइट, डोर वे उस वेबसाइट तक जाने के लिए क्या हो सकता है,
बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। स्टडी मास्टर भाई इस चीज का किसी को नहीं पता ब्रदर, वेट कीजिए आप आंसर की का, वेट कीजिए कब तक आती है। ठीक है, डैश इसे इनपुट डिवाइस पूछा है, कीबोर्ड मदरबोर्ड मॉनिटर सीपीयू में से इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, तो कीबोर्ड जो हमारा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा ब्लर है भाई, इसमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये एस डी रैम की फुल फॉर्म इसमें फिर से पूछी है, सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरसेस बट स्प्रेड। ये तो दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया ना, वॉर्म्स वही क्वेश्चन है, ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, पर वो क्वेश्चन इसमें अलग आया हुआ था एक। डैश रेफर्स टू द मदर बोर्ड्स ज्योमेट्री डायमेंशन और अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या हो जाएगा भैया इसका? आई थिंक सर्किट बोर्ड होना चाहिए, प्रोसेसर सर्किट। ओके, डैश इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट अलाउज टू कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर ऑर्डिनरी फोन लाइन्स, एक विस्तारण कार्ड है जो कंप्यूटर को सामान्य फोन लाइनों पर संपर्क करने के लिए अनुमति करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? मॉडेम हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो हमें कॉलिंग करने में भी हेल्प करता है और हमारे इंटरनेट चलाने में भी हमारी हेल्प करता है। इन्होंने तो भाई इकोनॉमिक्स भर भर के दे रखी है आज। और क्या आया हुआ है यहाँ पे? मतलब मॉडरेट पेपर बनाया हुआ है, अच्छा पेपर बनाया हुआ है भाई, ऐसा कुछ वो नहीं है कि जीके बाउंड थोड़ी ना है एचएसएससी कि वो जीके देगी, कंप्यूटर देगी, मैथ देगी या नहीं देगी। अब पिछली बार इंग्लिश हिंदी नहीं आई थी तो क्या हिंदी के टीचर्स ने वहां पे जाके आंदोलन कर दिया था कि हिंदी नहीं पूछी? पैटर्न फिक्स करवाओ, करवाना है तो सब्जेक्ट वाइज फिक्स कराने से क्या होगा। डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन, उसको क्या कहते हैं भाई? बहुत बढ़िया, रिजोल्यूशन कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था रिजोल्यूशन वाला तो। और नेक्स्ट क्या आया है हमारे पास? दो पेपर में तो ये रिपीट हुए हैं काफी क्वेश्चन। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी। डैश इज अ वेरी हाई स्पीड एक्सपेंसिव पीस ऑफ मेमोरी विच इज यूज टू स्पीड अप द मेमोरी रिट्राइवल प्रोसेस, एक अत्यंत उच्च गति की महंगी मेमोरी होती है। उच्च गति की महंगी मेमोरी कौन सी होती है? हमारी कैशे मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्या आया है हमारे पास? ओके, ये थे भाई हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस इस पेपर में। तो आई होप आप सभी को पता लग गया होगा, अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। फाइनल आंसर की का वेट करते हैं और शाम वाली शिफ्ट का वेट करते हैं कि क्या ऐसा ही धमाका शाम वाली शिफ्ट में होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा ही धमाका रहता है सभी पेपर्स के अंदर, जीके नहीं पूछी जाती है, तो ठीक है, अदरवाइज फिर वही से वही काम हो जाएगा, दोबारा से वही सभी चीजें होंगी और गड़बड़ होगी और फिर से मामला खराब हो जाएगा। बच्चों की मेहनत के साथ बहुत ही बुरा किया गया है, ऐसे मतलब ना कोई पैटर्न है, ना कोई सिलेबस है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। हरियाणा के पेपर में हरियाणा जीके नहीं पूछ रहे हैं, मतलब यार अजीब सी बात है, बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। चलो बाकी देखते हैं भाई दोस्तों, शाम वाले पेपर में मिलते हैं, शाम के सॉल्यूशन में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये था हमारा कंप्यूटर सॉल्यूशन, जो चार आपके सेट आए हैं, चार सेट मेरे पास आए हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी दोस्तों के साथ शेयर।